हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर लेंगे 8, ट्राइबल एंड नोमेडिक कम्युनिटीज़, यानी कि आदिवासी जो लोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आदिवासी जनजातियाँ जो जंगलों में रहती हैं। ए ट्राइब कैन बी डिफाइंड एज ए कम्युनिटी लिविंग इन हिली फॉरेस्ट और वेल डेमोक्रेटेड एरियाज हैविंग इट्स अवन कल्चरल रिलीजन लैंग्वेज एंड स्ट्रॉन्ग एथनिक आइडेंटिटी। तो एक ट्राइब वो होती है जो कम्युनिटी हिली एरिया में या फॉरेस्ट में रहती है और अपने रिलीजन कल्चर लैंग्वेज को अलग से उसकी वो आइडेंटिटी होती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लेन ट्राइब एज ए सोशल ग्रुप विद टेरिस्ट्रियल एफिलिएशन एंडिजिनियस इन नेचर विद नो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस रूल बाय ट्राइबल चीफ्स। तो ट्राइबल चीफ होते हैं वो वहाँ पर वो करते हैं, उनका अलग ही कल्चर होता है, सोशल ग्रुप होते हैं ये। हेरिडिटी और अदरवाइज यूनाइटेड लैंग्वेज और डेलीगेट्स, और जो इनके चीफ होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं और या फिर किसी और तरीके से चुने जाते हैं। इनकी लैंग्वेज जो होती है उसे हम डेलीगेट्स यानी कि भाषा भी बोल सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन सोशल डिस्टेंस विद अदर ट्राइब्स और कास्ट फॉलोइंग ट्राइबल ट्रेडिशन एंड बिलीव्स एंड कस्टम्स। तो ये अलग ही इनके ट्रेडिशन बिलीव्स और कस्टम्स होते हैं। इंडियन ट्राइबल पीपल प्ले इन ए की पार्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। दे ऑक्यूपाई अ मेजर पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज दे आर कंसिडर्ड एज द ट्रू हैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें भी ट्राइबल्स पीपल्स का एक स्पेशल पार्ट है, उनको हम कल्चरल हेरिटेज के रूप में देखते हैं और उनको हम ट्रू हैबिटेंट मानते हैं इंडिया का। द ट्राइबल पीपल आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दे फॉर्म ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल डिस्टिंक्शन ऑफ ईच ट्राइबल कम्युनिटी हैज मेड देम डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म ईच अदर एंड देयर कल्चरल ट्रेडिशन हेरिटेज एड कलर वेरिएशन टू द इंडियन कल्चर एज ए वोल एंड फॉर्म ए कॉम्पैक्ट कल्चर। इंडियन ट्राइबल पीपल रिजाइड से अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द कंट्रीज एरिया। तो ये जो इंडियन ट्राइबल पीपल है वो एक बड़ी जनसंख्या का पार्ट है इंडिया की, और साथ ही साथ 15% जो है ये एरिया कवर करते हैं इंडिया का। दे प्राइमरीली लिव इन वेरियस इकोलॉजिकल एंड जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम प्लेन्स फॉरेस्ट हिल्स इनसेसिबल एरियाज दैट परहैप्स लाइ डॉटेड इन द पैनोरमिक इंडियन टेरेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज। जब ट्राइबल सोसाइटीज की क्या विशेषता होती है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, द ट्राइबल इनहैबिटेंट रिमेन्स विद इन डिफाइनेट एंड कॉमन टोपोग्राफी। ये अलग अपनी एक क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की टोपोग्राफी अलग होती है थोड़ा सा। द मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब पॉसेस अ कॉन्शियसनेस ऑफ म्यूचुअल यूनिटी। उनके अंदर म्यूचुअल यूनिटी होती है। मेंबर्स ऑफ ट्राइब स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज। द मेंबर जनरली मैरी इनटू देयर अवांग ग्रुप। अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं, बट नाउ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर दे आर इंस्टेंस ऑफ ट्राइबल मैरिंग आउटसाइड एज वेल। अभी बाहर भी करने लगे हैं। द ट्राइब्स बिलीव इन टाइज ऑफ द ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स मेंबर्स। दे हैव फेथ इन देयर हैविंग डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन रियल और मैथमेटिकल एंसेस्टर एंड हेंस बिलीव इन ब्लड रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स। तो ये मानते हैं कि इनके पूर्वज जो होते हैं और मैथमेटिकल जो होते हैं वो सब इनके लिए बहुत डिसेंडेंट्स हैं वो और साथ ही साथ ये ब्लड रिलेशंस में बिलीव करते हैं। ट्राइब्स फॉलो देयर अवन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन हार्मनी। रिलीजन इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द ट्राइब। द ट्राइबल पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन बिकॉज दे आर ग्रांटेड रिलीजियस सेंसिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन। इनका लिए अपना धर्म महत्व करता है और अपने ही विश्वास होते हैं इनके, अपने कार्य होते हैं जो ये करते हैं अपने धर्म के अनुरूप। ऑक्यूपेशन क्या है इनका। द ट्राइबल पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर हार्डिंग एंड हंटिंग गैदरिंग। खेती, जानवरों को पालना, शिकार करना। दे मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन दे लिव्ड इन। सम ट्राइब्स सेटल डाउन इन द एरिया परमानेंटली वाइल अदर्स लेड ए नोमैडिक लाइफस्टाइल। कुछ जाते हैं तो परमानेंट रहती हैं एक जगह और कुछ खानाबदोश जीवन जीती हैं और वो मूव करती रहती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेटल्ड एग्रीकल्चर रिमेन्स फ्यू इन द नंबर्स। देयर वर ऑल्सो पीपल फॉलोइंग देयर प्रोफेशन सच एज सेलिंग देयर गुड्स और एंटरटेनिंग पीपल विथ फोक टेल्स एंड सॉन्ग। ये अपने गाने बजाने और अपने जो कर्तव्य होते हैं उनसे लोगों को एंटरटेन करते हैं जो खानाबदोश की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और अपने बनाए हुए सामान को बेचते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया इज द होम टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिजीनियस पीपल हु आर स्टिल इंटरेस्टेड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। विद मोर देन 84.4 मिलियन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की इंडिया में। दिस ट्राइबल्स पीपल ऑल्सो नोन एज द आदिवासीज और द पुअरेस्ट इन द कंट्री हु आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एग्रीकल्चर और फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द मेजर ट्राइबल ग्रुप जो है वह हैं गोंड्स, संथाल, खांसी, अंगिमेस, भील, भुटिया और ग्रेट अंडामानीज जो अंडमान के रहने वाले हैं। ऑल दिस ट्राइबल पीपल हैव देयर अवन कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज एंड
लाइफस्टाइल, सबका अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपना रहने का तरीका है। टूरिस्ट गेट इनसाइट इनटू मेनी डिफरेंट कल्चर्स एट द सेम टाइम ऑन द ट्राइबल टूर ऑफ इंडिया। लाइफ ऑफ नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स, इनकी लाइफ कैसे नोमैडिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल आर वर नोमैड, नोमैड्स वर नोन एज ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज हु यूज्ड टू ट्रैवल प्लेस टू प्लेस फॉर लाइवलीहुड। दे मूव अबाउट विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड, वाटर और शेल्टर। तो अपने खाने पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। वेन द सप्लाई ऑफ फूड वाटर गॉट एग्जिस्टेड दे मूव टू अनदर एरिया। दे एक्सचेंज वट एवर दे हैड सच एज मिल्क, वूल, ऑयल, हनी, जो इन्होंने जंगलों से और अपने जानवरों से मिलता है उसको ये हम एक्सचेंज करते रहते हैं दूसरे लोगों के सामान से। विद द सेटल्ड पीपल फॉर ग्रेन एंड वेरियस प्रोडक्ट्स दे नीडेड। वी हैव रीड अबाउट नोमैडिक एंड ट्रैवलिंग ट्रेडर्स इन प्रीवियस क्लास। दे ट्रेवल्ड विद देयर फैमिलीज इन बिग ग्रुप। रिकॉर्ड्स टेल अस दे ट्रांसपोर्टेड ग्रेन्स ऑन अदर फूड मटेरियल्स ऑन बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी पर अपना सामान रखकर घूमते हैं। दे ब्रीड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज हॉर्सेस एंड कैटल टू पीपल लिविंग इन सेटल टाउन्स व्हेनेवर दे विजिटेड। अपने जानवरों को बेचते और खरीदते भी हैं। चेंज इन ट्राइबल सोसाइटीज, अभी इनमें क्या चेंज आ रहा है। विद टाइम इवन ट्राइबल ग्रुप्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू कल्चर। विद द रिजल्ट ऑफ इट्स दे स्टार्टेड टू हैव ए लिटिल लाइफ। मैनी ऑफ देम अडॉप्टेड बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। मैनी सेरेमनीज एंड ट्राइबल कस्टम्स एंड गॉड्स बिकम पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कल्चर। और अब इनके कुछ सेरेमनीज कस्टम्स जो हैं चेंज हो रहे हैं और ये अलग हो रहे हैं। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड सम ट्राइब्स बिकम डोमिनेंट, दोज हुम कंट्रोल द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड की ट्रेड रूट बिकम वेरी पावरफुल। और मेडिवल पीरियड में आदिवासी जातियाँ जो थी डोमिनेंट हो गई थी और बहुत पावरफुल हो गई थी, बिकम वेरी पावरफुल। द मुगल ट्राई टू इम्पोज देयर टैक्सेस ऑन ऑब्टेन सर्विस टू दिस ट्राइबल ग्रुप। मुगलों ने इनके ऊपर टैक्सेस भी लगाए। गोंड और अहोम जो थे ये दो ट्राइबल ग्रुप थे जिन्होंने अपने को पावरफुल किंगडम के रूप में एस्टेब्लिश किया। गोंड्स, द गोंड्स वर द लार्जेस्ट ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया। द एरियाज वेयर दे लिव्ड वाज कॉल्ड गोंडवाना, जहाँ रहते थे वो गोंडवाना और सेंट्रल इंडिया का मेन पार्ट इन्होंने लिया हुआ था। दे आर वॉरियर्स ट्राइब्स ऑफ इंडिया हु हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन टर्म ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड कस्टम कॉस्ट्यूम्स। हिस्टोरिकल नोन फॉर देयर हीरोइक्स इन द बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश, दे प्राउड ट्राइब्स इन ऑफ इंडिया आल्सो गेन कंट्रोल ऑफ मालवा आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स फॉलोड बाय द मराठा इन द ईयर। तो इन 1690 इन्होंने वॉरियर्स की तरह काम करा ब्रिटिश के खिलाफ। लाइक मैनी अदर ट्राइब्स इन इंडिया हैविंग ए लुक एट द कॉस्ट्यूम्स ऑफ द गोंड्स ट्राइब ए डिलाइट। ए यूनिक आइडियोलॉजी एंड थॉट प्रोसेस अबाउट द रिलीजन मेक्स गोंड्स ट्राइब्स स्टैंड अपार्ट फ्रॉम एनी अदर ट्राइब इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा और आदिवासियों से अलग है। फिर इनकी लोकेशन क्या रही है। गोंड ट्राइब्स आर जनरली फाउंड इन द गोंड फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जगह हैं जहाँ पर ये लोग रहे और इनहैबिटेशन बाय दीज वॉरियर्स एंड रॉयल इंडियन ट्राइब्स के रूप में। लैंग्वेज, गोंडी लैंग्वेज इनकी प्राइम लैंग्वेज है जो इसकी जाति बोलती है। बिसाइड दीज इंडियन ट्राइब्स आल्सो हैव अ गुड कमांड ऑन तेलुगु, हिंदी, मराठी, पारसी और द्रविड़ियन लैंग्वेज पे भी इनकी कमांड अच्छी है। कॉस्ट्यूम, गोंड ट्राइब्स जो हैं ये टिपिकल इंडियन ड्रेस पहनते हैं। मेल मेंबर्स इन द गोंड ट्राइब्स वेयर धोती, फीमेल्स वेयर सॉफ्ट कॉटन साड़ीज अलोंग विद द चोली और ब्लाउज। फूड, टू डिशेज मेड ऑफ द मिलेट्स नॉन एज कोडो और कुटकी जो है ये स्टेपल फूड है गोंड्स का। मोस्ट ऑफ द गोंड्स आर द मीट कंज्यूमर थोरो दे प्रेफर राइस ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और फेस्टिवल के दौरान ये चावल खाना पसंद करते हैं और मीट। Religion, these tribes of India are highly religious minded. These Indian tribes worship Janani or the mother of creator. Janni or the mother of the creator. ये अपनी जो देवी की पूजा करते हैं उसको जन्नी या निर्माण करने वाली माता के रूप में पूजते हैं। Gond tribe also worship Farsa pan in form of nail or a piece of iron chain. Maril, the goddess of the plague and other diseases. ये प्लेग की देवी मराई की भी पूजा करते हैं। एंड भीमसेन द हिंदू गॉड्स आर ऑल्सो वर्शिप बाय गोंड्स ट्राइब इन इंडिया। वन यूनिक फीचर्स ऑफ देयर बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिट्स, गोंड्स ट्राइब बिलीव दैट एवरी और मोस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर इनहैबिटेड बाय ए स्पिरिट। सैक्रीफाइसेस आर द ऑल्सो मेड टू अपीज ए नंबर ऑफ डाइटीज, गोंड्स ट्राइब बिलीव दैट डाइटीज कंट्रोल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। वो मानते हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं वर्ल्ड में। दिस ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑल्सो वर्शिप द गॉड ऑफ हाउस होल्ड, गॉड ऑफ फील्ड्स एटसेट्रा, यानी कि ग्राम देवता और ये गृह देवता की भी पूजा करते हैं। फेस्टिवल्स, कैशलापुर जठारा और मदई जो है इनके दो मेजर फेस्टिवल हैं जो गोंड्स लोग करते हैं। एट कैलसापुर जठैया दे वर्शिप द स्नेक डायटी कॉल्ड नागोबा, नागोबा की पूजा करते हैं। हुज टेम्पल इज फाउंड इन द कैशलपुर विलेज ऑफ द इंटरवल मंडल ऑफ द
आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल इज द गुसाडी डांस परफॉर्म बाय द वेयरिंग हेड गियर्स डेकोरेट विद द पीकॉक फीदर्स। मोर के पंखों वाले जो सर पर लगाकर हेड गियर ये उसमें डांस करते हैं। कॉटन क्लॉथ अराउंड देयर वेस्ट स्पैनिंग एश ऑल ओवर द बॉडीज से मस्ट सी एट दिस डिस्टिंक्ट फेस्टिवल ऑफ गोंड्स ट्राइब ऑफ इंडिया। द अदर्स फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इज मदई, दूसरा फेस्टिवल मदई है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल गोंड्स मीट देयर रिलेटिव सेटल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेक्रीफाइस ऑफ द गॉड बीनीथ द सेक्रेड विलेज ट्री टू स्पिरिट्स टू द ट्राइबल गॉडेस इज ऑल्सो डन। ये अपने दूसरे जो लोग रहते हैं इनकी जातियों के उनसे मिलते हैं और रात में दे एंजॉय द पार्टी एटमोसफेयर विद लिक्विड डांस एंड ट्राइबल म्यूजिक के साथ में एंजॉय करते हैं। दशहरा और एक अलग फेस्टिवल और है जो इसको ये सेलिब्रेट करते हैं। ऑटमोस द प्लेजर बाय द गोंड्स ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अब इसके बाद अहम जाति की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।